मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं। वो बोल रहा है जो मेरा धर्म ठीक कीजिए नहीं तो मार देंगे। वहाँ मॉडलिंग भी चला रहा है यश के नाम से, वहाँ भी रांची में जो उसका अथी है ना वो भी यश के नाम से है। यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास। बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक मॉडल ने रांची के मॉडलिंग एजेंसी के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने पहली मुलाकात में उससे यश बनकर दोस्ती बढ़ाई, बाद में युवती को उसका नाम तनवीर खान पता चला तो उसने उससे दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया, पर तनवीर खान को ये नागवार गुजरा और उसने मुझे जान मारने की कोशिश की। वहीं भागलपुर में रह रहे मॉडल के माँ और पिता ने इंसाफ की मांग की है। ये मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं, जिसके लिए ये मुझे बहुत धमकियां दे रहा है, लालच दे रहा है। वो बोल रहा है जो मेरा धर्म ठीक कीजिए नहीं तो मार देंगे। कौन बोल रहा है? तनवीर खान। क्या बोला? यस, वहाँ मॉडलिंग भी चला रहा है यस के नाम से, वहाँ भी रांची में जो उसका अथी है ना वो भी यस के नाम से है। भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया, किसी तरह भाग के जान बचाई, उसके बाद थाना में केस किया। दरअसल ये हाई प्रोफाइल मामला तब सामने आया जब मुंबई में रह रही बिहार के भागलपुर की युवती मानवी राज ने मुंबई के बरसोबा पुलिस स्टेशन में रांची के मॉडलिंग एजेंसी के मालिक तनवीर खान के ऊपर रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराया और खुद को तनवीर खान से जान का खतरा बताया, जिसके बाद खबर मीडिया में आई और पूरे दिन लव जिहाद का मामला मीडिया की सुर्खियां बना रहा। फेमस मॉडल मानवी राज ने प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता ने आरोपी पर अश्लील वीडियो और तस्वीर शूट करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी ने पीड़िता के सभी आरोपों को निराधार बताया है। मानवी राज नाम की मॉडल ने अपने यूट्यूब और ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मानवी ने कहा है कि वो तनवीर की हरकतों से परेशान होकर रांची छोड़कर मुंबई आ गई, लेकिन उसने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। तनवीर मुंबई भी पहुंच गया और वहां भी धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने लगा। आखिरकार परेशान होकर उसने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता मानवी राज ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की है। उसने बताया कि उसने रांची आकर ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी। इंस्टीट्यूट का संचालक तनवीर खान है, लेकिन उसने अपना नाम यश बताया था। उसने धोखे में रखकर दोस्ती की। पीड़िता का कहना है कि उसे कुछ दिनों बाद पता चला कि वो यश नहीं बल्कि तनवीर है। मानवी ने बताया कि तनवीर लगातार शादी का दबाव बनाता था, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। मना करने पर नशे की हालत में उसके आपत्तिजनक फोटो खींचे और ब्लैकमेल करने लगा। वो उसके साथ मारपीट भी करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनवीर, जिसका पूरा नाम तनवीर अख्तर खान है, ने अपनी गलती मानी है। उसने ये स्वीकार किया है कि वो मॉडल को परेशान करता था। हालांकि उसका कहना है कि उसका मानवी को परेशान करने का इरादा नहीं था। मानवी ने वीडियो में कहा है कि वो यश मॉडल संस्थान में मॉडलिंग करती थी। करीब 1.5 साल काम के दौरान तनवीर ने न सिर्फ प्रताड़ित किया बल्कि शादी करने का दबाव भी बनाया। संस्थान छोड़ने के बाद वह भागलपुर चली गई। वहां से मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई। वहां बरसोबा में रहने लगी, लेकिन तनवीर वहां भी पहुंच गया। उसने कहा कि वो धर्म बदलकर उससे शादी कर ले। इनकार करने पर जान से मारने की कोशिश भी की, जिसके बाद इसकी शिकायत बरसोबा पुलिस स्टेशन में भी की। 2020 में लास्ट में लॉकडाउन के बाद मैंने सर्च किया था कि बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग के लाइन में आगे बढ़ना था, तो मैंने सर्च किया था, तो मुझे यश मॉडल्स दिखा, तो मैंने यश मॉडल्स ज्वाइन किया और मैं वहाँ पे उससे मिली थी, तो उसने अपना नाम यश बताया था और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और उस बीच में होली पड़ती थी, तो होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फोटोज निकाल ली थी, जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था वहाँ पे। और वो मुझे, मैं वहाँ पे ना पुलिस के पास जा सकती थी ना कुछ और कर सकती थी, वो उसकी जगह थी। वो कहता है कि वो पुलिस को पैसे खिला देगा, वो ये सब चीजें कर देगा, तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रांची है वो, उसका होम टाउन है, वहाँ के लोग उसके हैं, वो लोग उसके लिए बोलेंगे या मेरे लिए बोलेंगे,
तो इस ये सब चीजें बोलकर डराकर धमकाकर उसने चुप कराया हुआ था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि उसने धमकी देते देते एक एक लोग एक एक करके लोगों को भेजते भेजते सारी चीजें, मेरी फोटोज या पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसके पास, वो मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे परिवार वालों को, बहुत सारे लोगों को भेजकर, मेरे घर वालों को भेजकर मेरे घर से दूर करने की कोशिश की उसने। मेरे जो भी जगह मैं काम करती हूँ वहाँ पे वो बताता था कि ये मेरी बीवी है, ये काम नहीं करेगी, इससे कांटेक्ट मत करो, इससे दूर रहो। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा कि वो, जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें भी कुछ एंड नहीं दिखाया, उसमें भी जो लड़कियाँ थी वो फंसी हुई रह गई, और मुझे फिर समझ में आया कि ये जो है पूरा पूरा ट्रैप है, और जैसे इसने मुझे लालच दिया या ये मुझे ये बताना चाहता था कि ये मुझसे प्यार करता है, तो ये एक तरफा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं करती होती तो मैं अपने घर वालों से लड़के चली ही जाती, किसी जैसे सब करते हैं। मैं करती नहीं हूँ, मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में आगे बढ़ रही हूँ, मैं ये करने के लिए नहीं बढ़ रही हूँ, मैं अपना करियर बनाने के लिए बढ़ रही हूँ। मैंने अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके माँ बाप से जल्दी बिहार से कोई किसी को भेजते नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा। तो तनवीर के परिवार के दबाव में समझौता भी किया, इसके बावजूद तनवीर प्रताड़ित और ब्लैकमेल कर रहा है। उसने उसको कुछ तस्वीरों को एडिट कर परिजनों को भी भेज दिया है। शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यस मॉडल के संचालक का आरोप है कि युवती ने ही धोखे में बिजनेस में घाटा कर दिया। युवती उसके पास काम करती थी, इसलिए यस मॉडल के डेटा के बारे में भी उसे जानकारी थी। डेटा लेने के लिए उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यह साजिश रची है। वहीं भागलपुर में रह रहे मानवी राज के माता और पिता मीडिया में इस मामले के आने के बाद काफी परेशान हैं। उन लोगों ने बताया कि जब मानवी भागलपुर में रहती थी, इस दौरान तनवीर खान लगातार उसको फोन करके परेशान करता रहता था, साथ ही हम लोगों पर भी दबाव बनाता था। हम लोग अपनी बेटी के प्रति चिंतित हैं और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हैं। वो बोल रहा है जो मेरा धर्म अथी कीजिए नहीं तो मार देंगे। कौन बोल रहा है? तनवीर खान। क्या बोला? जो मेरा जो जैसे वो अथी मुसलमान है ना, तो मुसलमान आप मेरी बेटी का शादी कर दीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा शादी? क्यों ऐसा जोर दे रहा है? पता नहीं क्या उसके दिमाग में है। उससे कैसे संपर्क हुआ आपकी बेटी का? संपर्क तो बचपन से ही उसका अथी मॉडलिंग का अथी था, शौक था, तो उसी अथी में गई, उसको क्या कॉल किया, और वो अपना नाम भी यस नाम से वो अथी किया है। यस यस वहाँ मॉडलिंग भी चला रहा है यस के नाम से, वहाँ भी रांची में जो उसका अथी है ना, वो भी यस के नाम से है। नाम परिवर्तन करके वो और बहन का नाम पूनम भरसक बताया था, और वही कह के वो अथी यहाँ से उसके बाद ठीक किया। धीरे धीरे जब मेरी बच्ची को पता चला थी चला, तो वो सीधा बोली यहाँ आई, तो उसके बाद से वो काम ये करके ऊपर से परेशान करता रहा। अब बोलता है जो पैसा दीजिए, हम पैसा खर्चा किए हैं, आप लोगों को पैसा गिफ्ट मेरे सर घर यहाँ देखिए, वहाँ भी घर पर देखिए जो क्या गिफ्ट भेजा है, क्या हम लोग या बच्चा लोग से भी पूछिए। मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन अपनों से बढ़ कर के ही सब बच्चा है। क्या चाहते हैं बाबा? हम चाहते हैं उसका अथी हो, समझे, इंसाफ हो, उसको सजा मिलना चाहिए। वो गलत कर रहा है, मतलब आपकी बेटी को धर्म परिवर्तन करके हाँ मुस्लिम में कन्वर्ट होकर के शादी करना चाहता है। उसकी बहन को बोला गया जो आप समझाइए अपने भाई को, मेरी बेटी के पास नंबर उसकी बहन का भी था, तो बोली क्या वो जो नहीं ये सब नहीं होगा, नहीं मेरा भाई है जिद्दी, जो होगा वो करवे करेगा, जैसे करे वो शादी करवे करेगा। डर तो लग रहा होगा? डर हम नहीं डरते हैं, पर्सनल हम डरते नहीं हैं। बच्चा मेरा टेंशन तो होगा जी, टेंशन तो बच्चा बाहर में है तो टेंशन तो है ही ना है, हमको अपने जान का खतरा नहीं है, हम नहीं डरते हैं। धमकी भी देता है? हाँ धमकी भी मोबाइल में देखिए वो ठीक करता था जो मार देंगे मेरी बेटी को, दो दो बार वहाँ पर मारने का ठीक किया, कोशिश किया। कैसे मारने की कोशिश की है? ऑटो से जा रही थी, ऑटो पर वो गला दबाने, ऑटो ये पर गला दबाने वो अथी ऑटो वाला भी अथी हुआ। उसके बाद मेरी बेटी तुरंत किसी तरह से अपना जान बचा करके उसको पुलिस स्टेशन कॉल किया, तब वो भागा। कहाँ की रहने वाली
हम लोग खरीदते भी हैं भागलपुर। भागलपुर पुलिस से क्या चाहते हैं? भागलपुर पुलिस से क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं, यही जो मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। क्या ने बोलता है, अभी आपको गाली भी सुने भी किए, जो सुनिए जो कितना वो हरकत। कब से इसके संपर्क में आपकी बेटी थी? ये तो हमको लगता है कितना दिन हुआ होगा, लॉकडाउन जो हुआ था ना। हाँ, दो तीन साल से। हाँ, मतलब गाली गलौज भी करता है? हाँ, अक्सर करता है। हमको लगता था कि यहाँ जो मेरी बेटी रहती थी ना, तो वो काम के लिए करके पेमेंट देने के वजह से तो वो सब करती थी, करता था। तो सोचते थे जो चलो भाई काम के वजह से बोलता है गाली, लेकिन हम नहीं सुने थे। लेकिन एक आध बार जब हम सुने तब हमको गुस्सा आ गया, बोले छोड़ दो काम, हमको नहीं करवाना है ऐसा काम। हम कोनो अथी नहीं है ना, छोटा जात नहीं है ना, है जो गाली सुनेंगे अथी सुनेंगे, हम लोग अपने हैं। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, अंतिम जो बात अभी हुई है आपकी बेटी से? हाँ, वो क्या बात हुई है, कहाँ तक क्या है? अभी मीडिया में सारा अथी चल रहा है, अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तारी चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं जो उसको सजा हो। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि वो विदेशों से भी संपर्क रखता हो, उस तरह से कर रहा है सरगना से? कहीं भाग भाग नहीं, वो हम इंडिया से वो भाग, हाँ वो भाग सकता है क्योंकि उसके पास अथी भी है, वीजा पास। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रिंकू सिंह। बेटी का क्या नाम? मौनवी राज। ये मामला तो जो जो मैंने यस मॉडल में काम करती थी, वो तो मैंने मॉडल में काम करने की व्यू से गई थी, लेकिन उसका जो गुरु है उसका दूसरा मैंने मकसद था। वो मैंने जाति उन्माद फैलाना चाहता है कि धर्म परिवर्तन, मैंने वो दो तीन साल जब वहाँ रही तो वो पूरा ट्रेस ले लिया। अब वो चाहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, मैंने वो दबाव बना रहा है, पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है 8-9 महीना से। उसके खिलाफ पहले भी मुंबई थाना में केस किया गया, वो भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया, किसी तरह भाग के जान बचाई। उसके बाद थाना में केस किया, लेकिन थाना को एक्शन नहीं लिया। जब ये सब कदम उठाया गया है तो अभी सब जो है पत्रकार थाना सब मैंने ए टू जेड वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पीछे पड़ा हुआ है। वो जो काम करवाता था उसके बदले पैसा देता था, आज वो बोल रहा है कि हम मैंने वो यहाँ का जान गया है कि तो छोटा सा दुकान चलाता है तो हम इसको जो है पैसा के बल पर हम नचा देंगे, लेकिन वो हमको नहीं जान रहा है। हम ऐसे किसान आदमी हैं, पैसा से 10 बीघा धरती है, हम उससे समझता है कि दुकान वाला है इसका 1,50,000 का औका दे, इसको हम मतलब पैसा के बल पे खरीद लेंगे, इसको धर्म परिवर्तन करवा देंगे, ये कर देंगे। क्या बोल रहा है अभी धर्म परिवर्तन की बात, क्या शादी करवाना चाहता है? हाँ, मैंने तुम धर्म परिवर्तन करो, मैंने जो हम बोलते हैं वो तुम करो, नहीं तो जान से मार देंगे परिवार को। मना उसको धमका रहा है कि उसको बोलता है कि माँ बाप माँ वहाँ जितना भी है सबको हम मना पैसा के बल पे ख़त्म कर देंगे, और उसको बोलता है कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे। मुस्लिम धर्म अपनाने की? हाँ, वो लेकिन मेरी बच्ची है, मेरा संस्कार है कि कभी मर जाएगी लेकिन वो धर्म परिवर्तन कभी नहीं करेगी। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? क्या चाह? प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसका न्याय करे और उसका मतलब जान का छुट्टी करे, बच्चा अभी उसका लाइफ है, उसको मतलब सपोर्ट दिया जाए, आज मतलब जो सही है उसका उचित मिले। कब से इस क्षेत्र में थी? इस क्षेत्र में लगभग 4-5 साल से थे, 5 साल से लगभग थे, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब उससे जब से उसका कंपनी छोड़ा है तब से जो है वो मतलब चाहता है मेरे ही कंपनी में काम करे, उसका इनकम 3 साल हुआ। हाँ, 3 साल, लेकिन वो जो उसका कंपनी जो छोड़ दिया तो उसका मतलब घाटा हो रहा है, वो दूसरा अब कंपनी ज्वाइन करके आगे बढ़ना चाहती है, मुंबई चली गई, उससे वो आगे बढ़ना चाहती है, वो चाहता है कि मतलब नहीं घूम के यहीं आ जाए, इसी बात पे ब्लैकमेल करता है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव सिंह। बेटी का क्या नाम हुआ? मानवी राज। कहाँ रह रही है अभी? अभी मुंबई में है। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी तो वही इधर फोन तो सब जगह करता है, जब सब उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो फिर भी मैसेज गंदा गंदा मैसेज करता है।